दोस्तों, एक तरफ तो हमारे भारत देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, हमारे युवा दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, अपना रोजगार लेने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए, और दूसरी तरफ मोदी सरकार बीजेपी सरकार CAA का कानून ला रही है जिसके तहत वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश जो ये गरीब देश हैं इनके अल्पसंख्यकों को भारत में बसाने का प्रयास कर रही है और उनको भारत लाने की कवायद कर रही है कि जो वहां के गरीब लोग हैं उनको भारत में बसाया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनको घर दिए जाएंगे, जबकि हमारे भारत देश में कितनी परसेंट आबादी ऐसी है जो बेघर है, जो सड़कों पर सोने को मजबूर है, हमारा युवा बेरोजगारी भी झेल रहा है और नशे की गिरफ्त में पड़ रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी दूसरे देशों से लाकर लोगों को यहां बसाने की कवायद में है। क्या कारण है कि बीजेपी अपने देश के लोगों को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ ध्यान दे रही है? और वहीं अगर हम बात करते हैं विकसित देशों की, तो विकसित देश ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देश के गरीब लोगों को नागरिकों को अपने देश में बसा रहा है और अपनी इकोनॉमी को सफर करा रहा है। और वहीं मोदी सरकार इन लोगों को लाने का काम कर रही है। ये जहां तक लगता है कि बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए आने वाले समय में अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। 2 से 2.5 करोड़ लोग की आबादी ऐसी है इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक है, गरीब है। अगर उनमें से 1 से 1.5 करोड़ की आबादी भी भारत देश में आती है तो उनको रहने की व्यवस्था कैसी होगी, उनका रोजगार कैसे होगा? आज हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लगभग पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा लोग विदेशों में पलायन कर चुके हैं, अपना बिजनेस विदेशों में सेटल कर चुके हैं। अगर उनके लिए हम यहाँ पर नई योजनाएं लाएंगे, नए बेटर अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, तो उन लोगों को भारत देश छोड़ने की क्या जरूरत है? वहीं सरकार दूसरे देशों से लोगों को बुलाकर हमारे देश में लाना चाहती है। जब हरियाणा के लोगों को सरकार एक तरफ तो इजराइल भेज रही है काम करने के लिए, जहां पे युद्ध चल रहा है, मरने के लिए अपने युवाओं को भेज रही है, बेरोजगारी आज हरियाणा में सबसे ऊपर है, महंगाई सबसे ऊपर है, और दूसरी तरफ बाहर के देशों से लोगों को लाकर यहां पर बसाया जाएगा, ये कहां तक सही और न्यायोचित है? क्या भारत सरकार यही चाहती है? और इसमें भारत सरकार का तो कहीं नाम ही नहीं, अगर हम कहें तो ये मोदी सरकार बीजेपी सरकार काम करना चाहती है। आज देश में जो एजेंडा चल रहा है वो एजेंडा ये चल रहा है कि मोदी सिर्फ एक नाम देश को चला रहा है, जबकि भारत सरकार की आइडेंटिटी को पीछे रखा जा रहा है। तो क्या ये मोदी साहब ये चाहते हैं कि बाहर के देशों के लोग आए और हमारे लोगों का रोजगार छीने? जो ये रोजगार इनको दिए जाएंगे तो ये हमारे लोगों के रोजगार कटेंगे ना। आज हमारे युवा तो बेरोजगार घूम रहा है और दूसरी तरफ हम उन देशों के लोगों को लाकर यहाँ पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यह कहाँ तक न्यायोचित है? इसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं और हम इस कानून का विरोध करते हैं जिसके तहत हमारे युवाओं को सफर करना पड़े, हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं। चोरी चकारी डकैती फिरौती कत्ल आए दिन हमारे भारत देश में घटित हो रहे हैं, पर फिर भी ये सरकार मौन धारण किए हुए है, जिस पर कोई अपना बयान नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। आज अगर एक आम नागरिक को भारत देश में पासपोर्ट आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ बनवाना है तो उसको सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, उनकी आईडीज नहीं ठीक हो रही है, परिवार पहचान पत्र में लोगों की गलत डिटेल डाली जा रही है, उनको ठीक कराने के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। वहीं ये जो दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, इनको आते ही भारत की नागरिकता दी जाती है, आधार कार्ड दिया जा रहा है, वोटर कार्ड दिया जा रहा है, तो ये कहां तक ठीक है? तो हम कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार सिर्फ अपने नाम को आगे लाने की जगह भारत देश को आगे लाने का काम कीजिए और भारत देश के लिए काम कीजिए, ना कि सिर्फ अपनी पार्टी के लिए या सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए। हमारे देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, उनके अवसर छीन के आप दूसरे देशों के लोगों को मत दीजिए, उनकी चिंता उनके देश को करने दीजिए जहां के वो नागरिक है। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी हमारा इस कवायद में साथ दें और इस कानून का विरोध करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।